समस्याओं का समाधान भले ही आज हो या आज से हजार वर्ष बाद, पर उनका समाधान मात्र एक ही उपाय से संभव होगा कि मन स्थिति में संव्याप्त अवांछनीयता को पूरी तरह से बुहार फेंका जाए और ऐसा कुछ शक्तिशाली चिंतन उभारा जाए जो प्रस्तुत उल्टे प्रवाह को अपनी प्रचंड शक्ति के सहारे उलटकर सीधा कर सके। जैसे दूध में मौजूद होते हुए भी घी दिखाई नहीं देता, फूल में गंध होते हुए भी दिखाई नहीं देती, हमें अपनी बुराई और दूसरों की भलाई दिखाई नहीं देती, बीज में छिपा वृक्ष दिखाई नहीं देता, शरीर में होने वाली पीड़ा दिखाई नहीं देती, वैसे ही सर्वत्र व्याप्त और विद्यमान रहने वाला परमात्मा बोध न होने तक दिखाई नहीं देता। चाहने मात्र से कुछ प्राप्त नहीं हो जाता। इच्छा करने वालों और कर्म करने वालों में आकाश पाताल का अंतर होता है। केवल इच्छा तो जल की भांति है जो जीवन की गाड़ी को लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। हमारे अंतःकरण में उद्देश्य पूरी तरह खोलना चाहिए। जब वह वाष्प की भांति हो जाएगा तब जीवन की गाड़ी को लक्ष्य तक स्वतः पहुंचा देगा।